11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के विख्यात धार्मिक स्थल चूड़धार की यात्रा को 1 मई से आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय चूड़धार मंदिर कमेटी की कोर ग्रुप बैठक में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता चौपाल के SDM चेत सिंह द्वारा की गई। बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और लाखों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र चूड़धार मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी लाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चूड़धार मंदिर कमेटी की बैठक SDM चौपाल के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के लिए दान करने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए चूड़धार मंदिर कमेटी और SDM चौपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मंदिर का बैंक खाता और विवरण साझा करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर उपस्थित सदस्यों के सुझाव लेकर चूड़धार मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और चौपाल के SDM चेत सिंह द्वारा निर्णय लिए गए। चूड़धार मंदिर से संबंधित जानकारी को श्रद्धालुओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए चूड़धार मंदिर कमेटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाने को लेकर भी सहमति प्रदान की गई। इस दौरान चौपाल के SDM चेत सिंह ने भी सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि 1 मई से लेकर 10 मई तक केवल दिन में ही चूड़धार मंदिर की यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि इस दौरान मंदिर में यात्रियों के ठहराव और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहेगी। चूड़धार मंदिर कमेटी की बैठक आज SDM चौपाल के सभागार में हुई, जिसमें कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और इसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल हुए। कुछ स्पेशल गेस्ट भी बुलाए गए थे ताकि चर्चा में वो लोग भी भाग ले पाएँ और मंदिर से संबंधित जो बातचीत है उसको, उसमें जो अलग अलग लोगों के आइडियाज़ हैं वो लिए जा सके। तो इसमें चूड़धार मंदिर में जो अभी तक के कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा की गई और पिछले जो 2 साल से कोविड के दौरान मंदिर का संचालन कम लोगों जैसे वहाँ पर आए, उस वजह से किस तरह से किया गया, कितनी आय कितनी हुई है, व्यय कितना हुआ है, उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई। और अभी जो 1 तारीख से मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उनके लिए वहाँ पे बिजली और पानी की जो व्यवस्था मंदिर में होनी चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा की गई और जो विभाग के अधिकारी है उन्होंने विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया कि बिजली वहाँ पे पहुँच गई है और पानी की व्यवस्था के लिए पंप लगाना था वो भी लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो मंदिर का निर्माण का जो बचा कार्य है उसके ऊपर भी चर्चा की गई और इसके साथ साथ जो नई मंदिर कमेटी के द्वारा एक सराय का निर्माण किया जाना है उसका FCA केस और उसके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी किस तरह से करनी है उसके ऊपर भी चर्चा की गई और आने वाले जो समय में है इस सराय का निर्माण किस तरह से पूरा करना है उसके ऊपर भी चर्चा की गई। मंदिर के आसपास चुरू महाराज के रास्ते का निर्माण और मरम्मत करना और सोलर लाइट लगाना और एक मंदिर कमेटी की तरफ से जो एक वेबसाइट बनानी है हमने और एक फेसबुक पेज जो कि मंदिर चूड़धार मंदिर कमेटी के नाम से बना हुआ है और वेबसाइट को किस तरह से बनाना है उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ साथ मंदिर की जो आय है उसको किस तरह से बढ़ाना है उसके ऊपर भी बहुत विशेष रूप से सभी लोगों के आइडियाज़ को लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि SDM चौपाल का जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से और चूड़धार मंदिर कमेटी का फेसबुक पेज के माध्यम से एक हम अपनी जो मंदिर कमेटी का अकाउंट है उसकी फ़ोटो उसमें अपलोड करेंगे। जो भी श्रद्धालु हमारे मंदिर निर्माण में और सराय के निर्माण में मंदिर कमेटी को कोई योगदान करना चाहता है और फंड्स देना चाहता है तो उस अकाउंट के माध्यम से वो फंड्स को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो इस बार की यात्रा है वो 1 मई से शुरू हो जाएंगी। मंदिर कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, वो वहाँ पर 1 तारीख को चले जाएंगे। हालांकि मंदिर तो 15 अप्रैल से खुल गया है लेकिन अभी एक ही पुजारी हमारे वहाँ पर थे,
तो 1 तारीख से जो आधिकारिक की यात्रा है, जब तक कि विंटर नहीं आती तब तक ये यात्रा हमारी 1 मई से शुरू हो जाएगी। तो जो भी श्रद्धालु अभी चाहे वो सिरमौर की तरफ से आते हैं, चाहे हमारे सरांग की तरफ से जाते हैं, चौपाल की तरफ से जाते हैं, इस यात्रा में शामिल हों, आप कोशिश यही करें कि अभी शुरू के 10 दिन, 10 मई तक, कि आप लोग दिन दिन का प्रोग्राम बनाएं, कि जब तक हमारी व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं होती, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, और उसके 10 तारीख के बाद तो वहाँ रुकने की व्यवस्था भी कर दी जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चपाल से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।